ना गोलियों का असर होगा, ना ही बम का और ना ही बारूदी सुरंग का। जी, ये कोई आम बस्तरबंद गाड़ी नहीं है जो भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हुई है। ये बेहद खास है, इसकी तकनीक भी, क्षमता भी और ताकत भी। तो चलिए देखते हैं QRFV की इस बस्तरबंद गाड़ी की ताकत क्या है। चलिए पहले ये जान लीजिए कि भारतीय सेना को ये उपहार किसने दिया, ये तोहफा दिया है भारतीय सेना को टाटा ग्रुप ने। जी, भारतीय कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने भारतीय सेना को स्वदेश में बनी QRFV डिलीवर की है। ये गाड़ियां आधुनिक सुविधाओं से लैस है और इसकी कई खासियत भी है। इस गाड़ी का नाम फाइटिंग व्हीकल रखा गया है। आपको बता दें, ये बाकी बस्तरबंद गाड़ियों की तरह नहीं है, बल्कि उसकी तुलना में बेहद तेज भागती हैं। और इस गाड़ियों पर राइफल की गोलियां, बम और बारूदी सुरंग का कोई असर नहीं होता। यानी नक्सल प्रभावित इलाकों में ये बस्तरबंद गाड़ियों की क्षमता की ताकत भारतीय सेना को और मजबूत करेगी, जहां बारूदी सुरंगे भारतीय जवानों के लिए मुश्किल का सबब हमेशा बनी रहती है। वैसे टाटा का दावा है कि अगर इसके नीचे बारूदी सुरंग फट भी जाए तो इस गाड़ी का बाल भी बाका नहीं होगा। टाटा ग्रुप ने ट्विटर के जरिए बकायदा देश को बताया कि कंपनी ने भारतीय सेना को QRFV डिलीवर कर दिया है। यानी भारतीय सेना के बेड़े में इस गाड़ी के शामिल होने से हिंदुस्तान की सेना की ताकत और बढ़ेगी। वैसे ये भी सच है कि भारतीय सेना को काफी लंबे अरसे से ऐसी गाड़ियों की जरूरत थी जो सुरक्षित होने के साथ तेज भी भागे, और ऐसे में टाटा की ये नई स्वदेशी गाड़ी दोनों जरूरतों को पूरा करेगी। वैसे आपने गौर भी किया होगा कि इन गाड़ियों का डिजाइन आम गाड़ियों से बिल्कुल अलग है। और हाँ, ये भी बता दें आपको कि ये काफी हल्की और मजबूत भी है। आधुनिक तकनीक से बनी इन गाड़ियों पर अगर गोले बारूद भी बरसाए जाते हैं तो सैनिकों की सुरक्षा के लिए ये बेहद मजबूत गाड़ी साबित होगी। भारत सरकार इस बात पर विशेष जोर दे रही है, देश में बने हथियारों और उपकरणों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा हो। इसके लिए सरकार निजी कंपनियों को बकायदा प्रोत्साहित भी कर रही है, और टाटा की ये गाड़ी भी इसी अभियान का एक हिस्सा भी है। देश में स्वदेशी हथियारों और उपकरणों को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार इसी दिशा पर काम कर रही है, और बाहर से रक्षा उपकरणों की खरीद और भ्रष्टाचार पर इससे रोक भी लगी है। यानी भारतीय सैनिकों के लिए ये गाड़ियां एक सुरक्षा कवच से कम नहीं होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।